किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ गेहूं की फसल के बारे में। तो गेहूं में अब हमारी फुटाव की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज चल रही है। इस स्टेज में यदि हम थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते हैं तो हमारे पौधे में इतने कल्ले निकलेंगे कि हमारा खेत भर जाएगा पूरी तरह से। किसान साथियों, यदि आपने थोड़ा बहुत सीड भी कम डाला है खेत में और पौधे में या जर्मिनेशन कम हुआ है तो इस स्टेज में हम उसको कवर कर सकते हैं। और ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि अब से लेके लगभग 15 से 20 दिन का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें पौधे में फुटाव निकालना है तो हमारे पौधे की जो डांडियां हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये डांडी नीचे से मजबूत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें हमारे गांठें पड़ जाती हैं तो फिर इसमें फुटाव नहीं होगा। किसान साथियों, डांडी में गांठ बनने से पहले, पौधे के तने में गांठें बनने से पहले यदि हम इसे फुटाव निकाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सफलता होती है। किसान साथियों, इस स्टेज में यदि आप यहाँ पर खेत में सागर का 10 किलोग्राम, यूरिया 50 किलोग्राम और इसके साथ में जिंक ले लेते हैं 10 किलोग्राम और इन तीनों साल्टों को मिला के लगा देते हैं तो आपके खेत में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिंक यहाँ पीलापन नहीं आने देगी और सागरिका से पौधे में फुटाव, जो कि हमारे पौधे की जड़ें हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम क्राउन रूट्स। जो जड़ें ऊपर से निकलती हैं ये जड़ें सभी होती हैं क्राउन रूट, और जो मेन जड़ होती है इसका कोई काम ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये इसकी ग्रोथ हो गई और यहाँ आके ये रुक गई है। इसके बाद में जितना भी काम है वो सभी क्राउन रूट्स का है। तो क्राउन रूट्स का जो छत्ता निकलता है जड़ों का, अगर हमारी जड़ें यहाँ बढ़ जाती हैं तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी। इस स्टेज में यदि हमने पहले DAP का इस्तेमाल कम किया है या नहीं लगाई है तो अब हम यहाँ पर DAP लगा सकते हैं। इस स्टेज में हमें क्या करना होगा किसान साथियों कि 750 ग्राम लेना होगा यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 किलोग्राम DAP लेनी होगी और यहाँ पर पोटाश डालना होगा हमें 750 ग्राम। किसान साथियों, इस फॉर्मूले में यदि आपने नीचे DAP नहीं लगाई है तो उसके लिए 1 किलोग्राम यूरिया ले लें और यहाँ पर आपने 1.5 किलोग्राम DAP 150 1 किलोग्राम ले लें पोटाश। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप यहाँ स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि आप इस स्टेज में स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो क्राउन रूट्स हैं उनमें यहाँ फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी और पौधे की जड़ों का विकास होगा। पौधे में ट्रिलिंग स्टेज बहुत जल्दी से आएगी। यदि जड़ों का विकास हो जाता है तो पौधे में ऊपर की तरफ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है और पौधा हरा भरा बना रहता है। पौधे में पत्तियों का विकास बहुत जल्दी से होता है। तो इस स्टेज में किसान साथियों, यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते हैं तो आप अपने खेत को जरूर भर लेंगे। अगर इस स्टेज में आपने थोड़ी सी भी कोशिश करी और अपना खाद सही समय पर लगा दिया तो आप यहाँ पर पौधे की जरूर फुटेज ज़्यादा पा सकते हैं। और यदि आपने पानी अभी नहीं लगाया है और आपका पौधा खेत हरा भरा बन रहा है तो इस स्टेज में किसान साथियों आप 28 दिन तक कोशिश करें कि 28 दिन तक खेत रुक जाए और 27 से 28 दिन पूरे होने के बाद में तब आप खेत में पानी लगाएं और आप उस स्टेज में देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ज़बरदस्त उठाव आएगा, ग्रोथ अच्छी होगी। रही बात खरपतवारों की, तो खरपतवारों का यदि आपने स्प्रे करना है तो आप 30 से 35 दिन पर जाके करें। जैसे ही आपने पहला पानी लगाया तो खरपतवार निकल के आते हैं और खरपतवार जब निकल के आते हैं तो उस स्टेज में आप यहाँ पर जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उनका स्प्रे करें, पतली पत्ती के खरपतवारों का स्प्रे करें, या अगर दोनों तरह के खरपतवार हैं, मिक्स हैं, तो उनके लिए अलग से स्प्रे करना होता है। तो किसान साथियों, ये 35 दिन की स्टेज में आपको स्प्रे करना होगा खरपतवारों के लिए। और यदि आपने फुटाव के लिए कोशिशें करनी है तो किसान साथियों, जब तक आपके तने में डांडी नहीं बन रही है उस स्टेज से पहले पहले कर लें, अच्छा निकलता है। और यदि आपके तने में डांडी बन गई है तो फिर आप उसमें फुटाव नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसी स्टेज में आपको यहाँ पर ये खाद लगाने होंगे। तो मिलते हैं फिर किसान साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।